बेरोजगार युवा ब्राह्मणों को चंद्रबाबू नायडू देंगे कार। जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है यूपी से। आप लोग समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जी को तो जानते होंगे। दोस्तों आजम खान जी ने मायावती जी का सपोर्ट किया है। जिस तरीके से मायावती जी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और एमपी की कांग्रेस सरकार को चेताया था कि 2 अप्रैल की हिंसा में जिन भी बेगुनाहों के ऊपर केस दर्ज है वो वापस ले लीजिए, और दोनों सरकार ने केस वापस लेने की तैयारी शुरू भी कर दी है। दोस्तों इसी बात के ऊपर आजम खान जी ने मायावती जी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने बेगुनाहों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार और एमपी की कांग्रेस सरकार भारत बंद के द्वारा जिन भी बेगुनाहों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे और जिन्हें जेल में डाला गया था वो सारे केस वापस ले लेगी और बेगुनाह दलितों को छोड़ देगी। और आगे आजम खान जी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने दलितों के साथ बहुत अन्याय किया है और इसलिए कांग्रेस को इस मामले में संज्ञान लेकर निर्णय जल्दी लेना चाहिए। दोस्तों जब आजम खान जी से महागठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही लेंगे। दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने बेरोजगार युवा ब्राह्मणों को कार देने का किया है वादा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, बेरोजगार युवा ब्राह्मणों को चंद्रबाबू नायडू देंगे कार। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार को अमरावती से अपने शिविर कार्यालय से बेरोजगार ब्राह्मण युवाओं के लिए 30 स्विफ्ट कारों को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत बेरोजगार ब्राह्मण युवाओं को स्विफ्ट डिजायर टूर कार देने का फैसला लिया है। दोस्तों इस योजना के तहत जो भी ब्राह्मण युवा इस कार को लेगा उसे सिर्फ कार की जितनी भी कीमत है उसे सिर्फ 10% यानी कि 10% ही देना होगा। बाकी जो बची हुई राशि है वो एपी ब्राह्मण क्रेडिट सोसाइटी द्वारा मासिक किस्तों के रूप में चुकाई जाएगी। पहले चरण में निगम ने 50 कारों को मंजूरी दी है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण युवाओं को इतनी कारों की जरूरत होगी नहीं जितनी जरूरत हमारे SC ST OBC भाइयों को है। उन्हें रोजगार की ज्यादा जरूरत है और ज्यादातर बेरोजगार हमारे ही वर्ग से आते हैं, हमारे भोजन समाज से ही आते हैं। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली अपडेट में मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ SC ST प्रोफेसर्स का IITs में। आप लोग IIT के बारे में तो जानते होंगे, बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश की, शिक्षण संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ी संस्था है। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि SC ST के केवल 3% प्रोफेसर ही IITs में है। यानी कि दोस्तों सिर्फ 3% प्रोफेसर्स IIT में पढ़ाते हैं SC ST के। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, पूरी फैकल्टी मेंबर का अगर एवरेज निकाला जाए IITs का तो सिर्फ 3% निकलेंगे SC ST के प्रोफेसर्स। आप खुद ही सोचिए कि उन पे कितना दबाव रहता होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे भोजन युवाओं के साथ IITs NITs में कितना बुरा व्यवहार होता है। उन्हें जाति सूचक गालियां दी जाती है, उन्हें आरक्षण से आया हुआ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है वहां पर। आप लोग खुद ही सोच के देखिए, जहाँ पे 100 प्रोफेसर बैठे होंगे और उसमें सिर्फ SC ST के सिर्फ 3 लोग बैठे होंगे और 4-5 OBC के भी होंगे। हम भोजन समाज के सिर्फ मान लो बड़ा से बड़ा आंकड़ा 10 लोग होंगे और बाकी 90% पूरे उनके स्वर्ण होंगे, उसमें भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण होंगे। आप लोग दोस्तों खुद ही सोच के देखिए, जहाँ हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा, जहाँ हमारे लोग ही नहीं बैठे होंगे, तो हमारे युवाओं को साथ कौन देगा, कौन हमारे युवाओं के लिए लड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई ब्राह्मण प्रोफेसर किसी ब्राह्मण के साथ गलत कभी नहीं करेगा। वो गलत करेगा तो सिर्फ भोजनों के साथ गलत करेगा, SC ST OBC के साथ ही गलत करेगा। अगर दोस्तों आप लोग उस प्रोफेसर के खिलाफ आवाज उठाने भी जाओगे तो आप देख लीजिए, फैकल्टी मेंबर पूरा जो ग्रुप बैठा रहेगा उनका, वो पूरे 90% वही लोग बैठे रहेंगे, आपकी आवाज ऐसी ही दबा दी जाएगी। तो दोस्तों ये आंकड़ा निकल के आया था कि IITs में सिर्फ 3% ही SC ST के प्रोफेसर है। दोस्तों ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी वेबसाइट ने नहीं बताया था, द वायर, आप लोग सभी जानते होंगे, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने ये आंकड़ा बताया है। दोस्तों अभी अपडेट निकल कर आ रही है अनंत हेगड़े की तरफ से। ये वही महाशय है जो कहते हैं कि हम सरकार में संविधान बदलने के लिए आए हैं। हालांकि दोस्तों इन महाशय के लिए कोई नई बात नहीं है विवादित बयान देना, ये आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि भारत में सबरीमला मंदिर का
मुद्दा बहुत ज्यादा ही चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले दो महिलाएं शबरीमला में चले गई थी जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है और 50 साल के नीचे है। ऐसी मान्यता है केरला के शबरीमला मंदिर की कि वहां पर 10 साल से बड़ी लड़की और 50 साल से नीचे की महिला अंदर नहीं जा सकती, नहीं तो भैया उनका मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ भी, दो महिलाएं अंदर गई थी, फिर पंडितों ने जो मंदिर का शुद्धिकरण किया है, हालांकि कैसे किया वही जानते होंगे, और बड़ा तगड़ा शुद्धिकरण किया होगा, अगर ब्राह्मण लोग ऐसे शुद्धिकरण करते हैं तो। दोस्तों चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि जब वो दो महिला अंदर गई थी तो हमारे अनंत हेगड़े साहब का एक विवादित बयान, उन्होंने कहा है कि दो महिलाओं का शबरीमला के अंदर जाना, यानी कि शबरीमला मंदिर के अंदर जाना, ऐसा है कि दिन दहाड़े हिंदुओं का बलात्कार। अब ये जो लॉजिक है आप खुद जोड़ लेना अपने हिसाब से कि दो महिलाओं का मंदिर के अंदर जाना और दिन दहाड़े हिंदुओं का बलात्कार, ये रिलेशन क्या है इसका, आप लोग अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नोटियाल जी अपने फेसबुक के ऊपर लाइव आए थे और उन्होंने अपने फेसबुक पर लाइव आके बताया था कि किस तरीके से यूपी के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर भीम आर्मी की रैलियों को रोका जाता है और किस तरीके से बहुजन समाज को जगने नहीं देना चाहती है सरकार और किस तरीके से उनकी रैलियां कैंसिल की जाती है। तो दोस्तों आप लोग उनकी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है कि इस देश के अंदर भीम आर्मी की रैलियों को निरस्त किया जा रहा है कि बहुजन समाज के लोग अपने समाज की बात को न रख सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आज उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में प्रधानमंत्री जी की रैली है और भीम आर्मी की रैली को पिछले माह इन लोगों ने जानबूझकर निरस्त किया, हम जान सकते हैं और हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब भीम आर्मी की रैलियों को निरस्त किया जा रहा है तो भाजपा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए या मुख्यमंत्री जी के लिए कौन सा एक नया कानून बन गया कि उनको रैली करने की परमिशन दे दी गई। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, बिना कहीं पर भी मत जाइएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर आम्बेडकरवादी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि यह वीडियो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हर किसी को बहुजन समाज की अपडेट मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए, हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।